ओम नमस्ते जी। तो भाई जैसा कि बहुत सारे कमेंट मेरी वीडियो पर आते रहते हैं नाइटफॉल से रिलेटेड, ये समस्या आजकल बहुत अधिक युवाओं में हो रही है। और जब मैं इसके कारण के बारे में पता करता हूँ तो भाई कारण एक नहीं बहुत सारे हैं। जब खान पान गलत हो जाता है तब भी नाइटफॉल हो सकता है। जिस बंदे के दिमाग में उल्टे सीधे विचार चलते हैं या फिर जो गलत सलत देखता है मोबाइल में, तो भाई उसको भी नाइटफॉल हो सकता है। जो गर्म चीज़ें बहुत ज़्यादा खाता है, गर्म तासीर हो जाती है जिसकी बॉडी की, उसको भी नाइटफॉल हो सकता है। और कभी कभी तो ऐसे कारण होते हैं नाइटफॉल के कि कारण ही नहीं पता चलता कि किस कारण से हुआ है। देखो, जब जवान लड़का अपनी बॉडी की सेक्सुअल एनर्जी यानी वज्र धातु को समझ लेता है, उसको ये बात समझ में आ जाती है कि ये धातु उसकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो उस धातु को बचाना शुरू कर देता है जिसको आजकल नोफैब बोला जाता है। और उस धातु को बचाते बचाते 15 दिन या फिर महीने बाद सोते टाइम जब वो धातु निकल जाती है तो उसको कहते हैं नाइटफॉल, राइट? देखो, आपको एक छोटी ही चीज़ समझा देता हूँ भाई। जैसा कि आपको पता है कि वज्र धातु हमारी बॉडी की सबसे कीमती धातु होती है, तो भाई आप ये भी समझ लो कि इसकी रक्षा करना कोई चिड़ी बिल्ली का खेल नहीं है। इसके लिए तप चाहिए, तपस्या चाहिए, मेहनत चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी खा रहे हो, कभी भी उठ रहे हो, खाने से लेकर उठने तक आपको अपने जीवन में अनुशासन लेकर आना होगा अगर आपको इस धातु की रक्षा करनी है, तभी आप इस धातु की रक्षा कर पाओगे और अपनी बॉडी को एक अट्रैक्टिव बॉडी बना पाओगे, पावरफुल बॉडी बना पाओगे, ब्रेन को पावरफुल बना पाओगे। रही बात अब नाइटफॉल की, तो भाई आपको सिर्फ दो योग अभ्यास बता देता हूँ। ये आप करो 15 मिनट निकालकर सुबह या फिर वर्कआउट जो आप करते हो वर्कआउट के बाद कर सकते हो। और इसके अलावा अपनी दिनचर्या को साफ सुथरा रखो, भोजन साफ सुथरा खाओ, शाकाहारी भोजन खाओ, और प्लस ये दो योग अभ्यास करो, नाइटफॉल बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। सबसे पहला योग है शवासन। ये आसन बिल्कुल लास्ट में किया जाता है, एक्सरसाइज के लास्ट में बिल्कुल। सबसे पहले आपको नीचे चटाई बिछा लेनी है और भाई अपने पैरों को, पैर जो है अपने 1.5 फीट खोल लेने हैं ऐसे, और अपने हाथों को भी ऐसे दूर कर लेना है बॉडी से और लेट जाना है इस प्रकार। और भाई एक तरीके से आपको बिल्कुल आंखें बंद करके लेटे रहना है और अपनी बॉडी में चल रही एक्टिविटी को सुनना है और अपनी सांसों को अंदर लेना है, धीरे धीरे बाहर छोड़ना है, दिमाग शांत रखना है, सब कुछ भूल जाना है, जितने भी विचार हैं उनको ख़त्म करो, शांत होकर लेटे रहना है, सांसों पर फोकस रखना है, सांसों पर ध्यान दो, जो आपकी सांसें चल रही है बॉडी में जो हो रहा है आपकी, उस पर ध्यान दो। 5 मिनट तक करने की कोशिश करनी है आपको ये योग, और धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाना है योग का। शवासन से आपके दिमाग में नकारात्मक विचार, अश्लील विचार, ये सब खत्म हो जाएंगे और अश्लील विचारों से जो आपके दिमाग में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी, आपकी नींद की क्वालिटी बढ़ जाएगी और नाइटफॉल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और एनर्जी बढ़ेगी आपकी बॉडी में, क्योंकि आपकी बॉडी बिल्कुल शांत हो जाएगी, दिमाग आपका शांत हो जाएगा तो एनर्जी इकट्ठी होगी आपकी बॉडी में, समझ रहे हो। दूसरा अभ्यास सर्वांगासन। इस अभ्यास को करने का तरीका सबसे पहले आप समझ लो, पीठ के बल लेट जाएं और इस तरह बॉडी को उठा लें, अपने पैरों को सीधा कर लें और हाथों को ऐसे पीठ पर लगाकर बॉडी को रोक कर रखें, होल्ड करके रखें। इस अभ्यास की खास बात देखो क्या है, जब आप इस अभ्यास को सिद्ध कर लेंगे यानी कि लगभग 10 मिनट तक इस अभ्यास में जब आप रुकना शुरू कर दोगे, 10 मिनट तक ऐसे आप रुकना शुरू कर दोगे, तो आपका जो वीर्य है उधरोगमन होगा उसका, मतलब कि वो नीचे की ओर नहीं निकलेगा बल्कि बॉडी में ऊपर की ओर उसका संचार होगा, वो खून में मिलेगा, ऊपर की ओर जाएगा। इस अभ्यास को आप 3 से 4 बार करो, थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेकर बीच में, बस। और बहुत पावरफुल अभ्यास है। तो भाई ये तो हो गए आपके दो अभ्यास जो कि आपके नाइटफॉल को तो सही करेंगे ही, जड़ से ख़त्म करेंगे ही, साथ ही आपकी बॉडी में आप देखोगे कि एनर्जी पावर बहुत अधिक इंक्रीज़ हो रही है। 1 महीने में बहुत अधिक एनर्जी पावर आपको अपनी बॉडी में इंक्रीज़ हुई दिखनी शुरू हो जाएगी, बहुत अधिक बल आपके शरीर में भरना शुरू हो जाएगा, साथ में आपका दिमाग बहुत स्ट्रॉन्ग बनना शुरू हो जाएगा, शार्प होना शुरू हो जाएगा। बाकी भाई मेरे कहने से आप इन दोनों योग अभ्यास को जरूर करो, पावर और एनर्जी आपको 15-20 दिन में ही दिख जाएगी। बाकी अब जो लास्ट जो तरीका है, बिल्कुल परमानेंट आपका नाइटफॉल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कुछ लड़कों के लिए मुश्किल हो सकता है, तो तरीका ये है कि देखो नाइटफॉल किस टाइम होता है। नाइटफॉल होता है 3 बजे 4 बजे 5 बजे 6 बजे, बस ऐसा नहीं है कि 2-2 बजे हो जाता है ना, 3 ज़्यादा से ज़्यादा, हद से हद 3:30 से 4 बजे होना शुरू होता है। तो बस आप करो इतना, रात को ध्यान करके सो जाओ और 4 बजे उठ जाओ बस। बेशक दोपहर में आप 1 घंटा सो लो, नींद पूरी कर लो, लेकिन भाई आप उठो 4 बजे और जल्दी सो जाओ। ये परमानेंट तरीका है नाइटफॉल ख़त्म करने का, लेकिन वो दो अभ्यास, दो जो योग मैंने आपको बताई है वो भी ज़रूर करना और अपनी दिनचर्या भी साफ सुथरी रखना, शाकाहार अपनाना बस। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अपने भाइयों को शेयर कर दो जिनको दिक्कत है। अगली वीडियो किस पर चाहिए कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम जी, हर हर महादेव।